सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लेके आ चुके हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ मेरी वीडियो में। तो गाइस मैं बता दूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो गाइस चलते हैं फिर जो मेन टॉपिक है वहाँ पर चलने वाले। तो मैं बता दूँ कि अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो फाइनली मैं अपनी बाइक जो है रेडी करके और अपने रोड पे आ चुका हूँ। तो मैं बता दूँ कि प्रॉपर्ली अगर हम बात करें तो भाई आज का जो वेदर है वो भाई एक नंबर है। ना ही तो अगर हम कहें तो धूप बहुत तेज़ है, और ना तो हम ये कहें कि भाई आज के हिसाब से जो है छांव हो रही है। तो मौसम जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट है ऑन रोड पर। आप अगर हालाँकि तो मैं हेलमेट यूज़ किया हूँ, अगर नहीं भी यूज़ करता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं बता दूं कि भाई आज हम लोग चलने वाले हैं जहाँ पे आपने ऊपर थंबनेल देख ही लिया होगा मैं किस टाइप से आज वीडियो को शूट करने वाला हूँ। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ मेरी वीडियो में। तो चलते हैं गाइस अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कटरा के रेलवे स्टेशन पे, और खुदागंज से कटरा की दूरी जो है वो 16 किलोमीटर है। तो मैं आपको प्रॉपर बता दूँ कि भाई अभी जो है मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक थोड़ा जाम है, तो इसलिए मैंने बाइक को थोड़ा स्लो कर लिया है और जाम काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। तो भाई अभी हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं कटरा के मेन रोड पे, और मेन कटरा में यानी कि हम लोग आ चुके हैं जो खुदागंज से होते हुए कटरा की दूरी है मैंने आपको पहले बताई थी कि यहाँ पे दूरी जो है बहुत 16 किलोमीटर के रेंज में पड़ जाती है। और भाई थोड़ा रोड जो है अभी यहाँ पर जो पूरा हाईवे बनने को है भाई, मैं बता दूँ कि इसकी वजह से अभी थोड़ा रोड जो है डैमेज है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी अभी जाम भी लग जाता है और सवारी को निकलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो मैं बता दूं कि प्रॉपर जो है रोड से बन जाने के बाद में भाई कोई भी दिक्कत किसी प्रकार से नहीं आने वाली है। जो सबसे लंबा रोड जो यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं, जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो निकालने वाली है, तो मैं बता दूं कि यहाँ ये रोड जो है बहुत ज़्यादा लंबा निकलने वाला है, क्योंकि भाई ये रोड जो है सबसे ज़्यादा लॉन्ग पड़ता है और कुछ लोगों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और अभी हम लोग आ चुके हैं कटरा वैली हाईवे पर। तो मैं बता दूं कि ये जो है ओवरब्रिज, इसके नीचे से हम लोग निकल के और चलने वाले हैं भाई जलालाबाद के रोड की तरफ, क्योंकि भाई ये तो हो गया प्रॉपर ओवरब्रिज और इसके आगे। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं मन्नापुर में, जो मन्नापुर है। अभी मन्नापुर से पता करना पड़ेगा भाई कि किस साइड में मंदिर है और किस साइड के लिए निकला हुआ है। तो क्योंकि भाई मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ी सी जानकारी इसकी नहीं है, बट भाई ये बता रहे हैं लोगों के बताने के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है ये। और यहाँ पे जो मंदिर है बना हुआ भाई वो तो हम आपको बता ही देंगे, वो तो आप प्रॉपर वीडियो के अंदर चेक करने ही वाले हो, क्योंकि भाई आज मैं जो आपको वीडियो बताने वाला हूँ तो भाई बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अरे ताऊ, ये जो मंदिर है बना हुआ वो मंदिर के लिए रास्ता कहाँ से निकला? इधर से निकला। कितना होगा यहाँ से? 1 किलोमीटर। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई ताऊ के बताने के हिसाब से अभी जो मंदिर इस रोड पे चलना है, उसके बाद में यहाँ पे बता रहा दूरी की जो है वो मिनिमम 1 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है। और अभी हम लोग फटाफट से वहाँ पे चलते हैं फिर। ओ माय गॉड भाई, इनको तो हॉर्न बजाना ही बेकार है, क्योंकि इनको तो कुछ ही समझ में आने की है नहीं। अरे भाई हेलो, मंदिर कितना दूर है यहाँ पे? हाँ पास नहीं है। ठीक है भाई। तो भाई मुझे लग रहा है कि हम लोग जो है मंदिर के पास में आ चुके हैं, क्योंकि छोटे छोटे मंदिर जो हैं बाहर के साइड में बने हुए हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि वहाँ जो है मंदिर आपको प्रॉपर दिख रहा है, और ये रहा मंदिर जहाँ पे हम लोग जो अभी आने वाले हैं। और भाई हम लोग गाड़ी को एक साइड में लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए भाई जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो। तो भाई अभी गाड़ी को करते हैं हम लोग लॉक और इधर से निकलते हैं। ये रहा हमारे मंदिर का मेन गेट जहाँ से हम लोग अंदर चलने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि जो अंदर की एरिया है वो आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो रास्ता है यहाँ पे, मैं बता दूं कि पार्क जो साइड में है जगह का भी छुटी हुई है, आम के पेड़ वगैरह हैं जो लगे हुए हैं, और इस साइड में भी थोड़ी जगह छुटी हुई है। तो
भाई अभी हम लोग आ चुके हैं फिरोजपुर के जो महादेव का मंदिर है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो मैंने आपको जो प्रॉपर वीडियो थी मैंने प्रॉपर जानकारी आपको दे रहा हूँ भाई, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे दो जो है चढ़ने के लिए, एक जो रास्ता है इधर से गया हुआ है और दूसरा रास्ता जो हमारा है वो इस साइड में है जो उतरने के लिए बना हुआ है। तो प्रॉपर जो हम चढ़ने वाला रास्ता है मैं बता दूँ, और ये यहाँ पे जो अंदर की साइड में आपको जो गैलरी दिख रही है वहाँ पे ये लोग जो रहते हैं यहाँ पे सेवक लोग, तो वो सारे लोग यहीं पे रहते हैं। तो अभी हम लोग जो है ऊपर की ओर चलने वाले हैं। तो भाई ये भी चलने वाले रास्ते से हम लोग जो है ऊपर की ओर चलने वाले हैं, क्योंकि ये जो बना हुआ है प्रॉपर मैं बता दूं पत्थर का ही मंदिर बना हुआ है और इसमें ईंट जो है कहीं पे भी नहीं लगी हुई है, और जो भी रास्ते में बनी हुई है तो वहाँ पे केवल जो मसाला होता है वो है, और उसके बाद में जो बोलते हैं कि पत्थर वगैरह जो छोटा है और बड़ा है जितना भी है आपको प्रॉपर मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। तो ये सारी चीज़ मैं बता दूं, आज मंडे का दिन है भाई, बता दूं कि सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन पे वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बस कनागत के चक्कर में इस समय लोग जो है प्रसाद नहीं ज़्यादा चढ़ाते हैं। तो आज जो है बहुत कम भीड़ है यहाँ पे, और प्रॉपर जहाँ पे भी आप देखेंगे वहीं पर आपको जो है केवल लकड़ी और पत्थर मिलेगा, उसके अलावा यहाँ पर ईंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो है मेन मंदिर जो है ऊपर की साइड में है, यहाँ पर सबसे पहले पड़ जाता है जो हमारे हनुमान जी का मंदिर है तो वो यहाँ पर है, और हमारे बाबा जो हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जो यहाँ पे विराजमान हैं। तो अगर आप हिंदू हो तो भाई आपके लिए तो ये बनता ही है कि जय बाबा की बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे जो है बाबा का मंदिर है, और अभी दूसरे साइड में चलने वाले जो महादेव का ऊपर मंदिर है वहाँ पे हम लोग आपको लेके चलने वाले हैं। भाई अभी हम लोग जो है मेन मंदिर जो है हमारा महादेव का, तो हम वहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि जो महादेव का मंदिर है इस साइड में बना हुआ है और शिवलिंग जो है रखी हुई है। और ज़्यादातर आज सोमवार का दिन है तो ज़्यादातर भीड़ जो है अभी होना शुरू ही होने वाली है, क्योंकि भाई सोमवार के दिन पर जो है यहाँ पर ज़्यादा पूजा होती है। और बहुत ही पुराना मंदिर बना हुआ है जो प्रॉपर आपको मैं दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे जो है ईंट से नहीं बना हुआ है, ये प्रॉपर मंदिर जो बना हुआ है वो भाई मसाले से ही बना हुआ है, और यहाँ पर जो है केवल दीवार में शायद ईंट वगैरह इन लोगों ने लगाई हो तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और मैं बता दूं कि आपके लिए ये चीज़ जो है, और यहाँ पे जो घंटे हैं जो लगाए गए हैं तो ये बहुत बहुत बड़े यहाँ पे जो घंटे हैं मैं दिखा दूं कि बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर जो है घंटा लगाया गया है बजाने के लिए। जानकारी जो मैं आपको देता हूँ, अब मैं चलने वाला हूँ नीचे की साइड में जहाँ पे निकलने के लिए बाहर की साइड में दूसरा जो है जीना। तो भाई इधर से होके हम लोग और ये जो रास्ता है मैंने आपको बताया था सेकंड जीना की तरफ से जाता है, तो यहाँ पे भी मैं बता दूँ कि इस साइड में थोड़ी बस्ती भी है, और इधर भी चारों तरफ हम लोग देखेंगे तो केवल पत्थर ही पत्थर आपको नज़र आएंगे, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आने वाली है। और प्रॉपर जानकारी मैं बता दूँ कि भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर जो हमारा
बजरंग बली बाबा हैं वो यहाँ पे विराजमान है। छोटा मंदिर जो है उनका यहाँ पे बना हुआ है, एंड उसके ऊपर जो बना हुआ है वो हमारा महादेव बाबा का मंदिर है जो ऊपर की साइड में है। और मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि इसका जो गुम्बट है ऊपर की साइड में जो त्रिशूल लगा हुआ है वो बहुत ही ऊँचाई पर लगा हुआ है। और यहाँ से अभी हम लोग जो है नीचे की साइड में चलने वाले हैं, तो फटाफट से अभी हम लोग जो है नीचे की ओर चलने वाले हैं। तो भाई इसको जो है डेकोरेट पूरा जो किया गया है भाई वो किया गया है बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है, क्योंकि भाई इसमें जो है बनाने वाले, क्योंकि ये बताएं तो हम लोग, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है बना हुआ जो काफ़ी समय से परंपरागत जो पीढ़ी चल रही है उनके हिसाब से ये मंदिर बना हुआ है, और जितना भी इन पर होता है वो उतना प्रॉपर जानकारी जो है इनके अंदर देने वाले हैं। फाइनली मैंने क्या आपको जो सारी जानकारी थी यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको बता चुका हूँ कि भाई ये जो मंदिर है बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। और अगर हम बात करें तो भाई सावन के महीने में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पे जो है बाबा के दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप भी आना चाहते हो तो भाई इसकी जो लोकेशन है मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से जाके और इस पर जो मंदिर है वहाँ पर आप लोग आके और दर्शन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक यू सो मच।